तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं फॉर्मूला, एडवांस एक्सेल की फॉर्मूला के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और फॉर्मूला में हम आपके साथ बात करेंगे आज इफ फॉर्मूले। तो हमने एक क्लास आप लोगों के इफ की दी थी, जिसमें बताया था कि सिंपल इफ किस तरह से लगाए जाते हैं, उसी में हम मल्टीपल कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टीपल कंडीशन मतलब कि एक साथ कई सारे कंडीशन लगाना। अब जैसे कि आपके सामने मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, मुझे बस चेक करना है कि ग्रेटर देन 50 है या नहीं है। ये सिंगल कंडीशन है, ग्रेटर देन 50 है या नहीं है, दिस इज सिंगल कंडीशन। तो इसके लिए सिंगल कंडीशन लगेगा, क्योंकि एक इफ में सिर्फ एक ही कंडीशन लग सकता है, एक इफ में सिर्फ एक कंडीशन लग सकता है। जैसे कि हमने इफ लगाया और इसको सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 50, उसके बाद अपना रिजल्ट 500 और 0 जो देना है दे सकते हैं। बट मल्टीपल कंडीशन जैसे कि ए 50 to 80 के बीच का वैल्यू हो, मतलब कि 50 से बड़ा हो और 80 से छोटा हो, या बराबर मान लीजिए, तो ये दो कंडीशन हो गए ना सर, बिटवीन का हो गया। तो इसके दो तरीके हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है एंड का, एंड फॉर्मूला, जो कि इसके अंदर हम एक से ज्यादा कंडीशन डाल सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और फिर वापस इसको मैंने लिया और बोला लेस देन इक्वल टू 80। रिजल्ट जो है ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, किसमें आएगा, ट्रू एंड फॉल्स। ओके सर। अब यहां पे कोई एक बात उठती है कि हमने यहां पे एंड लगाया क्यों। तो क्या है कि एक इसके साथ आप किसी एक ही कंडीशन को लगा सकते हैं, जितने कंडीशन उतने इफ लगाएंगे। अगर हम इसको इफ के जरिए लगाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से लगाना होगा कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, और अगेन हम यहां इफ देंगे कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है, तो यहां पे 500 अदरवाइज 0, कॉमा 0, ठीक है सर। बट बोलेंगे तो रिजल्ट आ रहा है ऊपर से ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो इस एंड को हम रख देंगे इस फॉर्मूला, इस कॉमा 500 अदरवाइज। तो एंड फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमारे पास मोर देन वन कंडीशन होता, मोर देन वन कंडीशन होता है, और सारे कंडीशन रिक्वायर है, सारे कंडीशन रिक्वायर है तब। ओके अच्छा, चलिए अनदर एग्जांपल की हम बात करें। तो यहां पे हमारे पास नेम है और कुछ पर्सन के नेम यहां पे मैं दे देता हूं, नहीं नेम यहां देता हूं और यहां पे सब्जेक्ट दे देता हूं। मतलब कि मैं एक स्कूल का रिजल्ट शीट तैयार कर रहा हूं, लेकिन मेरे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कंडीशन ये है कि सारे सब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन 30 हुआ तभी पास होगा रिजल्ट, अदरवाइज फेल होगा। सारे सब्जेक्ट अगर पास हुआ, मैंने यहां पे मैं रिजल्ट देता हूं रिजल्ट, तो सारे सब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन 30 है तो हमें पास करना, अदरवाइज फेल करना।
अब इसको हम एंड लगाएंगे, क्यों एंड लगाएंगे, क्योंकि एक तो मल्टीपल कंडीशन है और उसमें रिक्वायर है ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। इसको सिलेक्ट किया और बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा, हमने इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30। रिजल्ट ट्रू है, ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, ये सारे फॉल्स हो गया, सब ने कुछ फेर ही है। चलिए मैं किस पास कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है, और एक इसको पास कर देता हूँ। अब ट्रू को पास और इसको फेल करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ यहां पे है तो पास अदरवाइज फेल। तो एंड का यूज समझना आ गया आप लोगों को, कोई ऐसी प्रॉब्लम है एंड में? सर एंड तो ऑल कंडीशन शुड बी मेट देन वी पुट एंड, करेक्ट? जी जी जी। और इफ मैंने एंड भी लगाया इफ भी लगाया वो रिजल्ट दिखाने के लिए? हाँ, क्योंकि एंड जो है आपका सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट देता है ना। हाँ हाँ, ओके ओके। सर इफ के साथ एंड का यूज और नेस्टेड इफ में, मतलब दोनों में डिफरेंस फिर क्या होगा? देखिए एंड का यूज होता है सिंगल मल्टीपल कंडीशन सिंगल रिजल्ट में, इसमें आप दो ही रिजल्ट दे सकते हैं पास या फेल, समझे? विद मल्टीपल कंडीशंस सब में पास होना चाहिए तभी पास होगा। और आपको अगर हर किसी के लिए अलग अलग करना है तो हर किसी में अगर आपको अलग अलग करना हो तो उसके लिए आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं देखना चाहता हूं कि सबकी सब्जेक्ट में फेल है, इसमें मल्टीपल कंडीशन हो गया ना सर, मल्टीपल रिजल्ट भी हो गया, तो यहाँ पे एंड वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए वन बाय वन लगाना पड़ेगा कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 तो पहला अगर कंडीशन हुआ तो दूसरा कंडीशन शो करेगा, इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 देन तीसरा, इफ इसको सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30 Then again if इसको सिलेक्ट किया that is greater than equal to 30। तो सारे अगर हुए तो यहाँ पे पास हुआ, क्योंकि यहाँ पे पास करने का जो पॉसिबिलिटी है सिर्फ एक बार है, पास करने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बार है, राइट सर? लेकिन फेल करने की पॉसिबिलिटी काफी टाइम है, तो यहां पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट फोर से क्लोज किया, अगेन हम यहां पे हमने लिखा सब्जेक्ट थ्री से फिर कॉमा सब्जेक्ट टू से फिर कॉमा सब्जेक्ट वन, सॉरी अब रिजल्ट आपके सामने। तो कैसे वर्क कर रहा है समझिए,
सबसे पहले पहला इफ चल रहा है, अगर ए फुलफिल हुआ, अब एक मिनट मैं तो समझा रहा हूं, देखिए सबसे पहला रिजल्ट चलता है, सबसे पहला कंडीशन चलेगा, अगर कंडीशन फुलफिल हुआ तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, अगर नहीं तो सीधे इसको शो करेगा और इसको खत्म कर देगा, फिर दूसरा इफ इसको चेक करेगा, अगर कंडीशन फुलफिल हुआ तो तीसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे ए क्या करेगा, इसको शो करेगा और इस खत्म कर देगा, आगे चेक ही नहीं करेगा। सेम आपका एक कंडीशन चेक किया, अगर फुलफिल हुआ तो चौथे इसको फॉरवर्ड करेगा, चौथा इसमें अगर सही हुआ तो एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, और यहां पे आपका चार कंडीशन है, A2 is last, S4 है, हाँ, तो इसको देगा, तो इसको शो करेगा, एक हमने छोड़ दिया, ठीक है, हाँ। तो ए जो आप दे, आप बोलेंगे सर ये समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो सिंपल सी बात समझिए कि ए आपका जो है इसको सही तरीके से कैसे लगाएंगे, हर इफ के दो पार्ट होते हैं ना, तो पहले आप दो पार्ट लगाइए, आप देंगे कि इफ हमने इसको चेक किया, बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो क्या आएगा, पास, अदरवाइज सब्जेक्ट वन सेम, क्या करेक्ट, मुझे दूसरे को भी चेक करना है, तो ये जो पास से पहले, पास जो है हमारा ठीक है ना सर, ये पास के जगह पे डिलीट होगा, इसमें हमारा दूसरा इफ ऐड होगा, दूसरा इफ इसको सेलेक्ट करेगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो पास, अदरवाइज सब्जेक्ट टू सेम, समझ गया, फिर ऐसे ही तीसरा कंडीशन, तो बस पास को डिलीट कीजिए और इसमें इफ कंडीशन ऐड कर दीजिए, समझ में आया सर आपको कि नहीं, सर फिर हम एंड क्यों यूज कर रहे थे शुरू में, ये इफ से प्रॉब्लम सॉल्व है, एक मिनट सब्जेक्ट 3, हाँ एंड क्यों यूज हो कह रहे थे, हमने आपको क्या बताया कि एंड का यूज होता है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे ये है मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल रिजल्ट नहीं कंडीशन, मतलब कि कई सारे कंडीशन को चेक करके आपको एक रिजल्ट देना है, पास और फेल, ओके 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 समझ गया ना, बट आपको हर कंडीशन पे अलग अलग रिजल्ट देना, जैसे यहाँ देखिए कि भाई पहली अगर इसमें फॉल्स होता है तो सब्जेक्ट 1 शो करना है, इसमें फॉल्स होता है तो सब्जेक्ट 2 आपको शो करना है, इसमें फॉल्स होता है तो सब्जेक्ट 3 शो करना है, तो अलग अलग है ना सर, यस यस ओके सर, तो मतलब मल्टीपल कंडीशन के लिए एक रिजल्ट मतलब एंड, और मल्टीपल कंडीशन के लिए मल्टीपल रिजल्ट के लिए फिर इननेस्टेड इफ, करेक्ट, सही समझे, मैं और का एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए दे दिया, सैटरडे संडे दे दिया, ठीक है, तो जो हम यहाँ पे दिखाना है हमको कि जो सैटरडे और संडे है उसको ऑफ करना है, बाकी को ये करना है, क्या बोलते हैं, ऑन करना है, ऑन ऑफ देना है, या वीकडे और वीकेंड करना है, ऑफिस या ऑफ करना है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, सैटरडे एंड संडे, अब यहाँ पे देखिए दोनों रिक्वायर नहीं है, सिर्फ सैटरडे हो सकते हैं या संडे हो सकते हैं, समझ गए, yes. तो यहाँ पे हम और लगाएंगे कि यहाँ जहां पे दोनों कंडीशन रिक्वायर नहीं है, कोई एक ही हो सकता है या कोई एक ही जरूरत है, तो यहां पे मैंने दे दिया सैटरडे कॉमा, वापस इसको सिलेक्ट किया और हमने बोल दिया संडे, क्यों आ गया, अभी से इस कंडीशन पर आ गया, इफ ऐसा है तो ऑन, नहीं तो ऑफ,
ऑन ओके हाँ लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन चेंज होता है। अब मुझे यहाँ पे ये शो करना है कि सैटरडे, अगर सैटरडे हुआ तो ऑफ होगा, आउटडोर होगा। संडे हुआ तो ऑफ होगा, बाकी कोई और हुआ तो क्या आएगा, ऑफिस है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन होगा कि इफ अगर ए इक्वल टू सैटरडे है तो यही पे क्या कर देगा, आउटडोर। तो फिर कंडीशन चेक करेगा कि इफ अगर ए संडे है तो यहां पे ऑफ होगा, नहीं तो ऑफिस। समझे? फिर एक और कंडीशन इसमें दिखाते हैं आपको कि मुझे आईडी प्रूफ के डेटाबेस रखने के लिए बोला गया। यहां पे पर्सन से नेम है, आईडी प्रूफ में बोला गया है कि पैन कार्ड होना चाहिए, बोला गया है इसमें कि डीएल वोटर यूआईडी और पासपोर्ट। अब इसमें क्या है कि कोई एक भी होगा तो चलेगा, अब जोड़ी एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट एक कंपल्सरी है, मतलब कि एनी वन और मोर देन वन आइदर और जैसे कि, हाँ जैसे कि पूजा ने यहाँ पे वाई दे दिया और यूआईडी भी दे दिया, मतलब कि उसने पैन नंबर आधार नंबर दोनों दे दिया, नीचे ने सिर्फ अपना डीएल दिया है और कविता ने कुछ नहीं दिया है, तो मुझे यहाँ पे पेंडिंग और ओके देना है। तो यहाँ हम और लगाएंगे कि और इसको सिलेक्ट किया इक्वल टू वाई, और याद रखिएगा वीवीएम में एक्सेल में के सेंसिटिव नहीं होता है, वीवीएम में के सेंसिटिव होता है, यहां पे बड़े छोटे का फर्क नहीं होता है। इसको सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, वापस हमने इसको सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, वापस हमने इसको सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई, तो वापस हमने इसको सिलेक्ट किया, बोला दैट इज इक्वल टू वाई। ओके आ गया। अब नीचे की तरफ हमने ड्रैग किया, समझ गया सर, और इस का फॉर्मूला लगा दीजिए देन ओके अदरवाइज पेंडिंग। लेकिन यहां पे अगर मान लीजिए कि कंडीशन कुछ इस तरह से हुआ कि एनीवन, इसमें दो चाहिए हमें, मतलब कि पैन नंबर तो चाहिए ही चाहिए, पैन कंपल्सरी है, उसके अलावा इसमें से कोई एक चलेगा, बात समझे सर, ध्यान से देखिएगा कि पैन तो चाहिए ही चाहिए, पैन के अलावा कोई एक चाहिए। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला एंड, एंड के अंदर में देंगे पैन को, फिर उसके बाद यहां देंगे हम और के अंदर देंगे हमें इक्वल टू डीएल, नहीं वाई होगा, माफ कीजिएगा वाई, इसको सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई, वापस इसको सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई, एंड वापस इसको सिलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई, और को खत्म कर दिया। अब एंड को क्या चाहिए, दो रिजल्ट चाहिए, क्योंकि एंड में दो ही एंट्री है ना, पहली ए एंट्री है और दूसरी और की एंट्री है, तो सिर्फ दो रिजल्ट चाहिए, और एंड को और को क्या चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, रिजल्ट आपके सामने। अब इसको एक बार समझने के लिए हम फॉर्मूला में जाते हैं और फॉर्मूला को एबुलेट करते हैं। सी वाई वाई इक्वल हुआ तो ट्रू आ गया, then यहां पे फॉल्स, then इक्वल फॉल्स, then वाई वाई ट्रू, तो एंड को एक ट्रू मिल चुका है और को भी एक ट्रू मिल चुका है, तो और ने एक ट्रू दे दिया तो फाइनली और को कितना मिला, दोनों ट्रू ही मिले, तो रिजल्ट यहां ट्रू आएगा। तो एंड और को इस तरह से मिक्सअप किया जा सकता है। ओके जी सर।
अब आप लोग इसको नोट कीजिए अपने डायरी में कि इन दोनों का नेस्टेड इफ में क्या होगा, क्या चीज नेस्टेड इफ में विदाउट एंड और की मदद से इनको कैसे यूज करेंगे। समझे? इसको आप लोग करके एक बार देखिएगा। उसके अलावा छोटी मोटी फॉर्मूले हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स डायरेक्ट आप फॉर्मूला में भी लिख सकते हो या डायरेक्ट टाइप करोगे तो भी ट्रू फॉल्स होता है। और मैंने बता दिया कि ट्रू इक्वल टू वन होता है, फॉल्स इक्वल टू जीरो होता है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है एक नॉट का। नॉट फॉर्मूला क्या करता है, बताता है कि इस उल्टा कर देता है, फॉल्स को ट्रू एंड ट्रू को फॉल्स। तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूं तो इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, तो नॉट फॉर्मूला अपोजिट। मान लीजिए कभी ऐसा कंडीशन आपने लगाया उल्टा लग गया कंडीशन, तो पूरा फॉर्मूला चेंज करने के बजाय उसको जहां ट्रू आ रहा है उसको नॉट कर दीजिए। ठीक है, नॉट क्या क्या कौन सा फॉर्मूला है, नॉट क्या बोले फॉर्मूला क्या, नॉट। ओके ओके ठीक है। जैसे आप इसे भी लगा सकते हो ना, और जैसे मैं यहाँ पे 50 कर दिया तो इक्वल टू हमने बोला इसको नॉट दैट इज इक्वल टू 50 हो गया ना सर। तो दैन ओके, अदरवाइज पेंडिंग पेंडिंग हो गया ना। ठीक है, तो नॉट नॉट के अंदर कोई भी निगेटिव कंडीशन लगा सकते हो, उल्टा कर सकते हो आप उसको। नॉट समझ में आ गया, और इस एरर मैंने आपको समझा ही दिया था। अब इस एरर में देखा था कि हर तरह के एरर को लेता है, इस एरर हर तरह के एरर को लेता है, समझे सर। मैं चाहता हूं कि सिर्फ एनए को ले, इसमें एक और फॉर्मूला आता है इस एनए, वो इस एरर की तरह ही काम करता है। इस NA जो होता है इस तरह तरह ही काम करता है, बट इसके बीच में दो वैल्यू डालेंगे लेकिन वो NA एरर आने पे ही शो करता है। अभी क्या जीरो शो कर रहा है, नंबर दिया को शो किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी तरह का और एरर दे दू, जीरो कर दू, BIV कर दू, BIV एरर आ गया ना। बट इसमें अगर मैं इसमें NA का एरर कर दिया तो क्या आएगा, तो इज एनए जो है सिर्फ एनए पे वर्क करता है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका एक्स और का है, इसको देखते हैं एक्स और फॉर्मूला क्या करता है। जैसे मान लीजिए ए एक्स और फॉर्मूला होता है कि दो में से कोई एक चूजना चूज करना। जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफर किया जा रहा है आपका, तो आपको दिल्ली का ऑप्शन और एक आपका पुणे का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आपको दोनों में से कोई एक को चूज करना है, अब दोनों को चूज नहीं कर सकते हो और दोनों को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, तो पुणे हो या दिल्ली हो कोई एक हो सकता है। तो यहां पे आप एक्स और का फॉर्मूला लगाएंगे तो इक्वल वाई कर दीजिए इक्वल वाई एक आता है कि अगर दोनों अगर वाई इसको मिलेगा, दोनों यहां पे मिला क्या इसको फॉल्स मिला, अगर दोनों वाई नहीं है तो फॉल्स दिखा दिया। अगर मैं पुणे को वाई कर देता हूं तो ट्रू आ जाता है, अगर मैं पुणे और दिल्ली दोनों को वाई करता हूं तो फॉल्स दिखा, अगर दिल्ली को चुआ पुणे डिलीट कर दिया देन ट्रू आया। तो इसका यूज हम लोग फॉर्म वगैरह में यूज करते हैं, जैसे कि अगर फॉर्म आपने बनाया उसमें से कोई एक दो में से कोई एक चूज करना है तो किसी ने गलती से दोनों चूज कर लिया तो मैसेज आप रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं कि या कुछ ऐसा करवा सकते हैं कि एक चूज करो, समझे। उसके बाद अब जो फॉर्मूला इसमें आ रहा है वो फॉर्मूला आ रहा है 2019 के, कौन सा फॉर्मूले, IFS एंड स्विच, ये दो फॉर्मूले हैं जो कि पाए जाते हैं ऑफिस 365 या 2019। तो किन किन लोगों के पास से फॉर्मूला है, ये वर्जन है ऑफिस 365 या 19? सर मेरे पास है 365। ओके, सिर्फ एक ही के पास,
ठीक है, तो कल इस फॉर्मूले को हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले आज जो इसके फॉर्मूला बताया मैंने उसको अच्छे तरीके से आप रख लीजिए और मुझे इन दोनों का सोल्यूशन भी दे दीजिएगा कि इन एग्जांपल को और के जरिए हमने लगाया था और के जरिए इसको नेस्टेड इफ में कैसे किया जा सकता था, और एंड और को मिक्स किया इसको नेस्टेड इफ में कैसे किया जा सकता है। ये दो आप लोगों का होमवर्क है, इसको करके मुझे भेजिए और कल हम आपके साथ नेस्टेड इफ की फाइनल क्लास होगी आपकी, उसके बाद सर परसों आपका टेस्ट होगा, 30 को आपका टेस्ट होगा इसके ऊपर। आज की वीडियो में भेज देता हूँ, ठीक है, ओके, बाय, सी यू टुमारो, सेम टाइम।